नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस को कौन सा बड़ा झटका लगा है, और साथ ही हम बात करेंगे उन आंकड़ों की जो कि मुंबई के फेवर में कतई नहीं है। और फ्रेंड्स, आप भी मुंबई इंडियंस के फैंस हैं तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, और आप भी चाहते हैं IPL से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचे तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आपके लिए लेकर आते IPL की तमाम वो अपडेट्स जो कि वो जानना तुम्हारा हक है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस को कौन सा बड़ा झटका लगा है। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जो कि लसित मलिंगा, उन्होंने अपना नाम IPL 2020 से वापस ले लिया। जी हाँ, आपने सही सुना है, मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने निजी कारणों की वजह से अपना नाम जो है IPL 2020 से वापस ले लिया है, और वो अभी इसी वक्त अपने फैमिली के साथ रहना ही पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम IPL 2020 से वापस ले लिया है। और अब ये देखना दिलचस्प है कि मुंबई इंडियंस इस झटके से कैसे उभर पाती है। और अब उस आंकड़ों की बात करेंगे जो कि मुंबई इंडियंस के फेवर में नहीं है। सो फ्रेंड्स, मुंबई इंडियंस ने अब तक UAE में 5 मुकाबले खेले हैं, उनमें से अब तक वो एक भी मुकाबला जीतने में नाकाम रही है। सो फ्रेंड्स, ऐसे में आप देखना ये है कि मुंबई इंडियंस इन दो झटकों से कैसे उभर कर आती है। और अब हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस ने लसित मलिंगा के जगह पर किसको अपने टीम में जगह दी है। तो फ्रेंड्स, मुंबई इंडियंस ने लसित मलिंगा के जगह पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन को अपने टीम में जगह दी है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि जेम्स पैटिंसन लसित मलिंगा की कमी को पूरी कर सकते हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है कि जेम्स पैटिंसन लसित मलिंगा के जगह पर सही है? सो फ्रेंड्स, आपकी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।